मेरी पूरी फैमिली है ये चार उल्लूदे पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। भाई अमेरिका में अपने उनको एड्रेस पूछेगा तो अपन क्या बोलेंगे? धोबीघाट। तो भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉशिंगटन। तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? तेरा कंट्री में आकर अपना छाती खुशी से फूल गया। योर कंट्री विद हैप्पीनेस माय चेस्ट बिकम ग्रेट। किंचो नमस्कार सत श्री अकाल। सोचना तो बनता है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आफ्टर द सुपर ग्रैंड सक्सेस ऑफ मुन्ना भाई इन 2003, राजकुमार हिरानी ने लगे रो मुन्ना भाई रिलीज की 2006 में, एंड उसके अगले ही साल में इन 2007 हिरानी ने मुन्ना भाई की सीरीज में अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया था। टाइटल था मुन्ना भाई चले अमेरिका, एंड इनफैक्ट उसका एक छोटा सा टीजर भी लॉन्च कर दिया था जहाँ संजय दत्त और अर्शद वारसी एक फनी वे में इंग्लिश लर्न कर रहे होते हैं। बट देन संजू बाबा को जेल कन्विक्ट हो गई एंड वो प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाई। न्यूज रिपोर्ट्स में आया था कि दिस होल सेटिंग ऑफ अमेरिका इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ मुन्ना भाई सीरीज को ड्रॉप कर दिया है, एंड नाउ द राइटर्स आर वर्किंग ऑन अ न्यू स्क्रिप्ट। अब कुछ 15-16 साल बीत गए बट स्टिल मुन्ना भाई सीरीज की अगले फिल्म का कुछ नामो निशान नहीं। बट यस, 2023 खत्म होने से पहले राजकुमार हिरानी ने अपनी नई फिल्म डंकी रिलीज की, स्टारिंग नन अदर देन अवर सुपरस्टार शाहरुख खान इन इट। अब इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि कुछ लोअर मिडिल क्लास के लोगों का सपना होता है कि वे लंदन जाकर अपनी लाइफ बनाए। फिर कहीं से पता चलता है कि स्टूडेंट वीजा की मदद से वे लोग लंदन जा सकते हैं, बट उससे पहले इंग्लिश यानी अंग्रेजी आनी बहुत जरूरी होती है ताकि अथॉरिटीज को कन्विंस कर सके कि वे लोग वाकई में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसीलिए वे सब इंग्लिश यानी अंग्रेजी सीखने के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। ये कुछ सुना सुना सा, देखा देखा सा नहीं लग रहा? मुन्ना भाई चले अमेरिका, संजय दत्त, अर्शद वारसी इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। वेल डंकी में भी यही था, बट देन वो लोग इंग्लिश लर्न नहीं कर पाते, यूके जाने का ऑफिशियली वीजा नहीं मिलता, एंड इवेंचुअली शाहरुख सबको डोंकी प्रोसेस से इलीगल निकल जाते हैं। तो क्या मुन्ना भाई चले अमेरिका की स्टोरी में भी यही होता? संजय दत्त और अर्शद वारसी डोंकी प्रोसेस से कुछ लोगों को यूएस लेकर जाते? वेल सोचना तो बनता है। अगर यही सच है तो अपने राजकुमार हिरानी साहब ने अपनी 2007 वाली पुरानी स्टोरी को बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2023 में दिखा दिया। संजू बाबा की जगह शाहरुख, यूएस की जगह यूके, एंड लो बन गई मुन्ना भाई चले अमेरिका की बदले डंकी। बट देन यूके ही क्यों, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया भी दिखा सकते थे डंकी में। वो इसलिए कि इंडिया में तब भी एंड आज भी यूएस एंड यूके जाने का कुछ ज्यादा ही चलन है। लोग आज भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूएस एंड यूके जाकर सेटल होने का सोच रहे हैं। कई जगहों पर आपने काफी सारे एड्स भी देखे होंगे, गेट यूके वीजा, कनाडा वीजा, यूएस वीजा। इसलिए राजकुमार हिरानी तब 2007 में सोचा होगा कि अमेरिका के ऊपर फिल्म बनाते हैं कि कैसे लोग डोंकी प्रोसेस से अमेरिका और कनाडा जाते हैं। बट देन 2023 में डंकी के लिए वही अमेरिका और कनाडा वाला फंडा रखते तो शायद तुरंत ही पता चल जाता लोगों को कि ये मुन्ना भाई चले अमेरिका की ही स्क्रिप्ट है। इसलिए थोड़ा सा ट्विस्ट देकर यूएस की जगह यूके कर दिया, एंड स्टार कास्ट को चेंज करके संजू बाबा के बदले शाहरुख को ले लिया। आपको क्या लगता है, मुन्ना भाई चले अमेरिका की स्क्रिप्ट ही डंकी है? क्या डंकी ही एक्चुअली अ रीमेड वर्जन ऑफ मुन्ना भाई चले अमेरिका है? क्या 2 और 2 5 है इसमें कि 2 और 2 4 ही है? वेल जो भी हो, सोचना तो बनता है। डू लेट नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आओ जो एंड मजा मारे जो।